जनाब डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर जी दी छेवी रचना पंजाबी स्थान दी जानिब तो प्यार अते व्याह भाग पहला। जे ए मन लिया जावे कि किसे नाल प्यार आप मुहारे हो जाता है तां ए भी मनना पवेगा कि ए टुट भी आप मुहारे जाता है। समाजिक अते आर्थिक तब्दीलियां कारण प्यार अते व्याह दा संकल्प भी बदल गया है। सारियां प्रसिद्ध प्रेम कहानियां असफल प्यार दियां कहानियां हन। जे हीर दा रांझे नाल जां सस्सी दा पुन्नू नाल जां सोहणी दा महीवाल नाल व्याह हो जांदा जां ओ प्यार विच सफल हो जांदे तां अज कोई भी उन्हां दे नां तों भी वाकफ ना हुंदा। असफलता जां दुखांत प्यार दी अंतली होनी हुंदा है। प्यार विच सफल होना किसे भी पक्ष तों सुखदाई अनुभव नहीं। प्यार नूं सदीवी बनाउण लई प्रेमी व्याह लई तांगदे हन पर व्याह दी दहलीज टपदिआं ही उन्हां दोहां दा यथार्थ नाल सामना हुंदा है अते उन्हां दा क्यासिया होया सुपन देश रेत छल बन के रह जांदा है। प्रेमी अजनबी हुंदे हन अते अजनबी सदा दिल लुभाउणे हुंदे हन पर ए अजनबी जदों पति पत्नी बन जांदे हन तां उन्हां दी समाज विरुद्ध ऐलानी बगावत मुक जांदी है अर्थात समाज उन्हां नूं अपने बंधना विच जकड़ लैंदा है। इवें व्याह रोमांटिक प्यार दा अंत साबत हुंदा है। प्यार एक लोकतंत्रक अनुभव है जिस विच अक्सर सरदारी औरत दी हुंदी है पर व्याह तानाशाही वर्तारा है जिस विच मर्जी समाज दी अते सरदारी पुरुष दी हुंदी है। इवें प्यार अते व्याह दो वखरे संसार हन अते एक दूजे दे बिल्कुल उल्ट भी हन। इसे लई हैरानी दी गल नहीं कि प्रेम व्याह बड़ी छेती अकेवें अते थकावट दा शिकार हो जांदे हन। इवें पति पत्नी दोहां नूं अपने प्यार उत्ते माण होण दी थां पछतावा अते शर्म आउण लग पैंदी है। चोरी छिपे किते जाण वाला प्यार पैंदिआं भी पता नहीं लगदा अते टुटदिआं भी पता नहीं लगदा। जिस प्यार दी बुनियाद विच झूठ होवे उह प्यार बहुता चिर चल ही नहीं सकदा। नेड़े दी रिश्तेदारी विच काल नाल कीता व्याह व्याहे पुरश अते कुआरी कुड़ी दा प्यार जां व्याही औरत अते अणव्याहे मर्द दा प्यार जां व्याहे पुरश अते किसे होर व्याही औरत दा प्यार लंमी उम्र वाले सुखावें अनुभव नहीं हो सकते। व्याह उपरंत औरत दा विहार चंचलता ते नखरे दी थां विहारिक हो जांदा है जदके पुरश नूं उसदी चंचलता नाल प्यार हुंदा है। ए एक कारण है कि सोहणियां पत्नियां दे पति भी कई वारी कोझियां पर चंचल औरतां मगर लग पैंदे हन। प्यार दे मुक जाण दा एक कारण ए भी हुंदा है कि पति नूं पत्नी नाल प्यार दौरान उसदी शख्सियत दे किसे एक पक्ष जिवें गल्लां दे डूंग जां चेहरे दी रौनक जां बोलण दे सलीके जां गाउण दी योग्यता नाल प्यार हुंदा है पर व्याह समुची शख्सियत नाल करना पैंदा है अते नतीजा ए हुंदा है कि दोवें धिरां जल्दी थक जांदियां हन। इस थकावट विच्चों अकेवां जन्मदा है जिस कारण बड़े खिड़े हुए चेहरे भी थोड़े समय विच ही चपटे अते साधारण लगन लग पैंदे हन। मनोविज्ञानक तौर ते सौख्यां प्राप्त होण वाली चीज़ प्रति असीं जल्दी ही बेमुख हो जांदे हां। प्यार समय पुरश अते औरत दोवां ने अपना आदर्शक रूप उसारिया हुंदा है जिस दे रंग व्याह दे पहले ही निचोड़ नाल खुर जांदे हन। सारियां प्यार कहानियां विच एक गल सांझी है कि वह सारे प्रेमी पहली वारी प्यार दे अनुभव खेत्र विच दाखल होए सन। ए उन्हां दा पहला प्यार सी इसे करके उन्हां दे प्यार विच अंतां दी शिद्दत रही है पर अजकल जिहड़े प्यार पैंदे हन उन्हां विच आम करके एक धिर नूं पहला प्यार दा अनुभव हो चुका हुंदा है अते ए अनुभव असफल भी होया हुंदा है। प्यार करना एक असफल धिर दी मजबूरी अते लोड़ हुंदी है। इस तजर्बेकार पर असफल धिर लई दूजा प्यार
अपनी पहली असफलता उपरंत मुड़ स्थापती दा हंबला हुंदा है। सो इस प्यार दी बुनियाद विच ही स्वार्थ है, पर दूजी तिर अछो अते भोली होण कारण वधेरे कुर्बानियां करदी रहिंदी है। स्थिति विधवा दे कुआरे पुरश नाल जां दहाजू दे कुआरी कुड़ी नाल व्याह वाली हुंदी है। असावांपण अते संतुलन प्यार दे अनुभव नूं सच्चा अते सुच्चा नहीं रहण दिंदे। ये रिश्ता जोड़ी वाला नहीं नरणा वाला हुंदा है। उस स्थिति का अनुमान लाओ जदों दोवें धिरां तजर्बेकार होण। अजिही स्थिति विच प्यार दीयां गल्लां घट हुंदियां हन अते सारा जोर संभोग उत्ते हुंदा है। इस रिश्ते नूं प्यार दा नां देना योग नहीं, क्योंकि इस रिश्ते विच किसे धिर नूं शर्माउण दी सहूलत नहीं हुंदी। सो गल सिद्धी अते स्पष्ट कीती जांदी है। प्यार कब्जा नहीं पहचान है, एक बड़ा भरम भुलेखे वाला संकल्प है। इस संकल्प दा प्रचारक असल विच व्याह उपरंत प्यार नूं जायज़ ठहराउण दा यतन कर रहा है अते अपनी पत्नी तो इलावा दूजियां औरतां नाल प्रेम संबंध उसारन दी प्रवानगी मंग रहा है। वह मन चाया प्रेम भी करना चाहुंदा है, पर अपनी पत्नी प्रति वफादार होण दा भरम भी रचना चाहुंदा है। यह भी कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति अपने प्रसंग अनुसार ही अपने प्यार फलसफे नूं उसारदा है। दुवला प्यार एक बड़ा उसारू अनुभव हुंदा है। वह स्थितियां बड़ियां घट हुंदियां हन जिथे दोवें धिरां एक दूजे नूं प्यार करदियां होण। आम करके हुंदा यह है कि एक धिर प्यार करदी है अते दूजी धिर उस प्यार नूं स्वीकार करन दा कारज निभाउंदी है, पर प्यार करन विच बहुत तत्पर नहीं हुंदी। सोहणियां स्त्रियां दी गिनती घट होण कारण हर पुरश उन्हां नूं प्यार करन लई तैयार रहिंदा है। अजिही स्थिति विच चोण स्त्री दे हत्थ हुंदी है। वह आप घट ही प्यार करदी है, वह पुरश नूं प्यार करन दी आग्या दिंदी है, अर्थात देवी अपने पुजारी नूं चुणदी है। परवानगी प्राप्त करदे रहण लई पुरश नूं बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। फैसला इस गल ते हुंदा है कि पुरश इस्त्री दी भावक अते मानसिक तसली किन्नी कु करवा सकदा है। भावें ये एक हैरानी भरी गल जापे, पर यह एक सच्चाई है कि प्यार दौरान इस्त्री संभोग दी इच्छक नहीं हुंदी। संभोग दी सहमति जां मंजूरी वह पुरश दी मंग उपरंत ही दिंदी है। जदों व्याह तों पहला प्यार विच संभोग दी किरिया शुरू हो जावे तां प्यार फिक्का पैण लग जांदा है। इस रचना दा दूजा अते आखरी हिस्सा तुहाडे नाल परसों सांझा कीता जावेगा, इस करके घंटी दा बटन जरूर दबा लेना। बहुत शुक्रिया।